क्लास 7 चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में तो पढ़ लिया कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे हमें क्या मिलता है, फ्लोरा फौना कितनी रिच है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पीपल जो लोग वहां रहते हैं वो कैसे कैसे वहां रहते हैं, क्या करते हैं, उस सब चीजों के बारे में। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ द फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो ये जो लाइन है ना, इससे पूरा आपका एक नेक्स्ट पेज पर पूरा टॉपिक है जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलेंगे। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया काट दिया, जहाँ वहाँ पे जो भी पेड़ लगे उनको काट दिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर आपको पता है कि हमको क्या है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को। जब बार बार उस पर एग्रीकल्चर करो या बार बार उस पर क्रॉप्स उगाओ, तो जो एरिया है वो सॉइल का पैच, वहां से क्या है, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो एरिया को छोड़ के नए एरिया पे जाते हैं, वहां पे फिर से जो है काट कर नई क्रॉप्स उगाना शुरू करते हैं, और जो कुछ पुराना एरिया है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने आप वहां पे जो सॉइल है अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है, तो फिर वो बाकी पर्पजेस के लिए फिर से यूज कर सकते हैं उसी एरिया को। तो उसके आगे हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep the families alive by feeding them vegetables they grow. तो हंटिंग एंड फिशिंग अनसर्टेन क्यों है, इसीलिए अनसर्टेन है क्योंकि मे बी कभी कभार आपको हंट मिला, कभी नहीं मिला। अगर आप हंट करके मे बी मीट ला रहे हो घर में या जो भी ला रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि रोज ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा या फिर कुछ बहुत ही फिल्दी खाने को मिलेगा, यानी कि कुछ ऐसा जिससे कि आप सारी फैमिली का पेट भर सकते हो या कुछ भी। कभी कभार मिलेगा, कभी कभार बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हंटिंग एंड फिशिंग पे सिर्फ रिलाई करना खाने के लिए ठीक बात नहीं है, हमें एक प्रॉपर फूड सोर्स चाहिए जैसे कि क्रॉप्स हो गई। हमने पढ़ा कि विमेन बेसिकली वहां पे एग्रीकल्चर करती हैं, क्रॉप्स करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो बनाती हैं, वो जो वेजिटेबल्स ग्रो करके लाती हैं, वही मेजर फूड का सोर्स है, ठीक है। लेकिन हंटिंग एंड फिशिंग पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसर्टेन एक्टिविटीज है। कभी आपको बहुत सारी फिश मिल सकती है, कभी एक दो फिशेज मिलेंगी, कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like potato. ठीक है, तो staple food की बात हो गई, manioc staple food है वहां पे, जो कि which is also known as cassava that grows under the ground like potato. तो ये वहां का staple food है, सबसे common है। They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown. ठीक है, तो हमको पता लग गया कि कैसोवा तो एक हाथी खाते हैं, साथ में क्वीन ईट क्वीन एंट्स और उनके एग सैक्स भी खाते हैं, और कैश क्रॉप्स कॉफी मेज एंड कोको, ये जो वहां पे कैश क्रॉप्स हैं वहां ये भी ग्रो होती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड शेप हाउसेस शेप्ड लाइक बीहाइव्स। दीज दे आर देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विद अ स्टीपी स्लांटिंग रूफ। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्ड डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। इन 1970 द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट ऑफ द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज वेर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द डिस्टिंक्ट वे ऑफ फार्मिंग। अब बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि अमेज़न बेसिन में या अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर जो लोगों की लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। पुराने टाइम पे क्या है, क्योंकि इतना थिक फॉरेस्ट है तो नेविगेशन क्या रिवर के थ्रू होता था, रिवर ढूंढ ली तो वहां से आपको आगे जाने में हेल्प होती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ है, वहां पे हाईवेज बनने शुरू हो गए हैं, वहां के इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस यानी कि जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उस एरिया को, उन्हें निकाल दिया गया, कहीं और सेटलमेंट दी जहाँ पे वो करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। तो उन सब चीजों की बात हो रही है कि रेन फॉरेस्ट के एरिया उन्होंने एक्सेसिबल बना दिए, एयरक्राफ्ट वगैरह यूज हो सकते हैं वहां पे, अमेज़न को
अमेजोन के अंदर जाने के लिए. द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट क्या था, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इसमें हमें ये पता था कि ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी बहुत हाई है. डाइवर्सिटी का क्या मतलब, कितने अलग अलग तरह की चीजें वहां रहती है, क्या क्या आपको मिल सकता है. तो हमें पता था कि डाइवर्सिटी अगर प्लांट्स के रिलेटेड हो या एनिमल्स के रिलेटेड हो, हमें यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इवन इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे. लेकिन जब हम डेवलपमेंट करते हैं यानी कि जब वहां पे रोड्स बनेंगी कुछ बनेंगी तो डिस्ट्रक्शन होएगा. कैसे, फॉरेस्ट कटेगा तभी रोड्स बनेंगी, तभी वहां पे हेलीकॉप्टर्स के लिए लैंड होने के लिए हेलीपैड्स वगैरह बनेंगे. तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर हम पेड़ काटी जाएंगे तो वहां की जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी वहां पे डिफरेंट हमको प्लांट स्पीशीज मिलती थी, मे बी एनिमल स्पीशीज है या फिर इंसेक्ट की स्पीशीज है, वो सब धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी. It is estimated that a large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. तो annually यानी हर साल बहुत सारा Amazon का जो area है वो disappear हो रहा है. Even ये भी बोला जाता है Amazon जो है वो earth के लिए lungs का काम करती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वहां पे इतने थिक रेन फॉरेस्ट है, इतना थिक फॉरेस्ट है कि वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि पूरी अर्थ को मेजर ऑक्सीजन वहां से मिलती है. वो उसको लंग्स कहा जाता है अर्थ का, अमेजोन से इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. लेकिन हर साल क्या है, ये रेन फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा पार्ट जो है काट दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो फॉरेस्ट है कम हो जा रहे हैं. यू कैन सी दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. The topsoil is washed away as the rain falls and the lush forest turns into a barren landscape. ये क्या है, बहुत ही important है. Soil erosion होनी शुरू हो जाती है. क्यों, जब आप चीजें काट देते हो या plants वगैरह काट दिए, plants क्यों जरूरी है soil erosion रोकने के लिए, कैसे रोकते हैं plants, जब हमने उगाया तो इनकी roots क्या करती हैं, soil को पकड़ के रहती हैं. ठीक है, सॉइल को हिलने नहीं देती ज्यादा. दूसरा क्या, अगर पानी का फ्लो है, मान लो बारिश हुई, ठीक है, अब बारिश हुई पानी भर गया, लेकिन पानी क्या है धीरे धीरे फ्लो करेगा. क्यों, क्योंकि बीच में ब्रेकेज बहुत सारी है, ट्री ट्रंक्स हैं, छोटे और प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये सब बीच में लगे हुए हैं. तो पानी क्या है एकदम तेजी से नहीं फ्लो करेगा. समझ रहे हो आप इसका क्या मतलब. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एरिया है तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी रूट्स हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, सॉइल को बांध ही रखा है. दूसरा क्या है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, छोटे प्लांट्स हैं, यहाँ पे इधर ग्रास है या कुछ है, लंबे पेड़ हैं, सब है. तो जब पानी इधर से फ्लो करता है तो उसको क्या है ब्रेकेज मिलती है, इसलिए वो धीरे धीरे फ्लो करता है. एकदम से सॉइल को जो है टॉप लेयर उसकी उड़ाता नहीं है, यानी कि अपने साथ इरोड नहीं करता उसको. लेकिन अगर हम ये पेड़ काट दें या फिर जो भी वहां पे वेजिटेशन है उसको हम काट दें तो क्या हो जाएगा, उससे ये होगा, अगर हम देखें तो ये जो है आपका सॉइल की टॉप लेयर है. अब क्या है, यहाँ पे ना तो कोई पेड़ है ना फिर कोई भी रूट्स है या कोई वेजिटेशन है. तो क्या, जब पानी यहाँ से आएगा ना तो ये जब यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा तेजी से तो ये उसकी जो टॉप सॉइल है ना इसको अपने साथ ही ले जाएगा. तो जब टॉप सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, ठीक है, टॉप सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. अगर टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट्स लेकर, टॉप सॉइल जो है वो वॉश हो गई यानी कि पानी अपने साथ बहा के ले गया उस टॉप सॉइल को, तो वो लैंड जो है वहां से न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे तो वो एक बैरन लैंड बन जाएगी. यानी कि जैसे बैरन लैंड होती है जहां पे कुछ भी नहीं हम उगा सकते, वैसी लैंड बन जाएगी. क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स थे या जो सॉइल थी जो हमें चाहिए थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, वो तो पानी लेके चला गया. नीचे वाली सॉइल से ना तो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं ना कुछ मिल सकता है, तो बैरन लैंड बन जाएगी जहां पे कुछ उगा नहीं सकते. इसकी वजह से क्या है, न्यू फॉरेस्ट भी नहीं उग कर आएगा. अगर आपने पेड़ काट दिया आपका और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पेड़ फिर से उग जाएंगे तो नहीं उगेंगे. क्यों, क्योंकि वहां पे इतनी रेन होती है, हमने पढ़ा कि रेन फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट हर दिन रेन होती है, तो वो पानी क्या करता है अपने साथ सारा पानी बहा के ले जाता है इसकी वजह से. और क्योंकि ये बेसिन है तो हमें पता है कि ये जो है, क्योंकि ये एक बेसिन है तो हमें ये पता है कि ये जो है डाउनहिल है. ठीक है, डाउनहिल का मतलब मैंने अभी ऊपर ही बताया था जब हम रिवर बेसिन वो पढ़ रहे थे बॉक्स के अंदर. तो डाउनहिल का मतलब इसका जो लैंड है ये बेसिकली नीचे की तरफ है. अगर आप देखो तो ये
इस तरह से है। तो पानी ने क्या करना है, फ्लो ही करना है। फ्लो करेगा तो ये जो टॉप सॉइल है यहाँ पे, ये सारी इसको साथ ही लेकर यहाँ पे जो भी रिवर है या जो भी सी है उसमें जाके ये बह जाएगा। तो सारी जो लैंड है, जो भी सॉइल है आपकी, टॉप सॉइल जो फर्टाइल सॉइल है, वो ये साथ में ले जाएगा। इसकी वजह से हमें प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली रेन फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे, इट इज अ वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड वे फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। दीज आर देन बर्न्ड विच रिलीजेस द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। ठीक है, स्लैश किया, स्लैश यानी काट दिया पहले, उसके बाद उसको आग लगा के जला दिया, तो जो उनकी एशेज हैं वो बहुत ही रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स। After repeatedly using that patch of land, the soil loses its nutrients. क्योंकि अगर बार बार आप उस पर क्रॉप्स उगाओगे, क्रॉप्स वहां से न्यूट्रिएंट्स खींचता रहेगा, सॉइल से खींचता रहेगा, सॉइल से, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बचेंगे ही नहीं। ठीक है, सो इट इज अबैंडन्ड। तो अब क्या है, वो एरिया को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे यहाँ तो अब क्या होने लग गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन रेन फॉरेस्ट में अगर कुछ वहां के नेटिव लोग हैं जिनके पास नहीं है फर्टिलाइजर्स, तो वो ये प्रैक्टिस यूज करते हैं। Then they clear another plot of land. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, people can then return to it and start cultivating again. ठीक है, तो ये मतलब इसका ये हुआ कि पहले आपको एक पीस ऑफ लैंड था, आपने स्लैश किया उसको, यानी कि वहां पे जो भी पेड़ थे, जो भी छोटी छोटी बुशेस, श्रब्स, हर्ब्स थे, आपने उन सबको काट डाला, स्लैश किया और वहां पे आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या, उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एशेज हैं, वो सॉइल में मिल जाती है, तो सॉइल क्या है, फर्टाइल और ज्यादा हो जाती है। फिर आपने वहां पे बहुत देर तक एग्रीकल्चर करते रहे करते रहे, तब तक करते रहे जब तक सॉइल की सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो गए। फिर आपने वो लैंड ऐसे ही छोड़ दी, उसको देखा नहीं, न्यू पीस ऑफ लैंड पे गए, वहां पे फिर से स्लैश एंड बर्न किया, वहां पे एग्रीकल्चर शुरू की। इतनी देर में वो जो पिछली वाली लैंड है वहां पे क्या है, नए प्लांट्स वगैरह ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, वापस से गेन कर लेते हैं, क्योंकि बारिश से भी, अब हमें पता है, एटमॉस्फेयर से भी कुछ गैसेस पानी में मिक्स होकर फर्टाइल बनाएंगी सॉइल को धीरे धीरे। ये टाइम लगता है इसको, ऐसा नहीं है कि एक महीने के अंदर छोड़ा और सॉइल फर्टाइल होगी, काफी टाइम लगता है। उतनी देर में क्या है, वो पहले वाली लैंड जो दूसरी लैंड है वो कर लिए, आप जब वहां की न्यूट्रिएंट्स खत्म होंगे तो आप वापस इधर आ जाओगे, यहाँ देखोगे यहाँ पे फिर न्यूट्रिएंट्स आ गए, अगर नहीं है तो थर्ड प्लॉट पे चले जाओ। ऐसे इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।